फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मशीन से विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या होता है। दी विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो होता है वो कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, लेकिन ये क्रैंक और स्लाइडर जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसमें हमारा बार जो फॉरवर्ड फोर्स लगता है, जिस रेसिप्रोकेटिंग मोशन फोर्स लगता है, वो बैकवर्ड स्ट्रोक की तुलना में जस्ट अलग होता है। और इसका जनरली ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है शेपिंग मशीन में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बट अनलाइक द क्रैंक एंड स्लाइडर द फॉरवर्ड रेसिप्रोकेटिंग मोशन एज एट डिफरेंट रेट देन द बैकवर्ड स्ट्रोक। दिस मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली यू सीन एज द ड्राइव फॉर अ शेपिंग मशीन। शेपिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हमने इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे, डायग्राम के अकॉर्डिंग इस टाइप से होगा कि इसका डायग्राम है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में भी हमारे पास मेनली जो लिंक होती है, लिंक चार लिंक का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार जो होता है वो लिंक वन, और फिक्स्ड लिंक जो होती है यहाँ पर आपको दिख रही हो कि फिक्स्ड लिंक जो होती है वो लिंक टू, और एक है ड्राइविंग लिंक। ये ड्राइविंग लिंक जो है वो लिंक थ्री होगी, और स्लाइडर जो होता है वो लिंक फोर होता है, स्लाइडर लिंक फोर होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सेंटर इसका पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास एक व्हील है जिसका सेंटर पॉइंट होता है डी, और एक जो हमारे पास इसका सेंटर होता है सी सेंटर होता है इसका। अब ये क्या करता है, इसका जो अटैचमेंट होता है फिक्स्ड लीवर जो हमारे पास फिक्स्ड लीवर है, इसका अटैचमेंट एक यहाँ पर होता है और एक अटैचमेंट होता है यहाँ पर स्लाइडर पर। स्लाइडर के अकॉर्डिंग एक हमारे पास यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड में अटैच होता है, जो कनेक्टिंग रॉड जुड़ा रहता है रैम से, रैम में रहता है टूल, तो जिसके द्वारा हम अगर इसको कंटिन्यू घुमाते हैं तो रैम है, रैम आगे पीछे स्लाइड करता है, तो टूल भी हमारे पास उसको वर्क करता है। टूल के द्वारा हम इसमें शेपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इसका एंगल होता है, अल्फा एंगल जो होता है वो होता है इसका कटिंग स्ट्रोक का एंगल, अल्फा एंगल होता है कटिंग स्ट्रोक का एंगल, एंगल ऑफ कटिंग स्ट्रोक। और जो बीटा एंगल होता है, इसमें जो आपको दिख रहा होगा अल्फा एंगल जो दिया हुआ है, ये होता है एंगल ऑफ कटिंग स्ट्रोक। जो बीटा एंगल है वह एंगल ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, ये रिटर्न स्ट्रोक जब कटिंग स्ट्रोक के लिए जाता है मतलब फॉरवर्ड की तरफ जाता है, जब उसका रिटर्न स्ट्रोक होता है तो बैकवर्ड की तरफ जाता है, पीछे की तरफ आता है। इसमें पॉइंट कैसे जाता है, अगर आप इसको जैसे रोटेट कराते हैं, जब ये रोटेट करता है तो क्या होता है, इस टाइप से आपको ये जो आपका व्हील है ये कंटिन्यू रोटेट होकर के आपका इस शेप में आपका ये इस टाइप से ये कंटिन्यू रोटेट करता है। ये रोटेट करता है तो क्या होता है, इसका फोर्स जो होता है यहाँ पर इस पर लगता है, इसको लगने के बाद जब ये ऊपर रोटेट करता है तो यहाँ से होते हुए रैम को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों पोजीशन में लेके जाता है। हमारे पास जो इसमें पॉइंट देखें अगर, तो इसका जो पॉइंट होता है P1 और P2 पॉइंट है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो C है, इसका सेंटर पॉइंट D है, आपको दिख रहा है डायग्राम में। इसके बाद आपका यहाँ A2 पॉइंट है और ये A1 पॉइंट है। रेडियस के फॉर्म में देखा जाए अगर, तो रेडियस के फॉर्म में भी हमारे पास दिया हुआ है, ये है ये अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, CD हमारे पास जो फिक्स लिंक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये भी है, इसका कलर अगर इसका जो होगा ये आएगा इसका, अगर देखा जाए तो फिक्स्ड लिंक, और यहाँ पर है लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक होता है यहाँ से ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये रैम है, रैम जुड़ा हुआ टूल पर। तो ये क्या होता है, हमारे पास जो टूल है, टूल जाता है R1 से R2 की तरफ जाता है, यहाँ हमारे पास R होता है रैम का, रैम हमारे पास R1 से R2 की तरफ जाता है, R1 से R2 की तरफ जाता है। जब इसको हम रोटेट कराते हैं तो A से हमारे पास टाइप से A1 जाएगा, A2 जाएगा और फिर A पर आएगा। इस टाइप से कंटिन्यू ये स्लॉटेड बार के द्वारा ये मूवमेंट करता है, जिस टाइप से मूवमेंट करेगा तो ये P पॉइंट पर आकर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स लगेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें कि क्या कैसे काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इसको देखेंगे तो हमारे पास जो टूल है, टूल इसमें फॉरवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाएगा, R से R1 और R2 की तरफ जाएगा। जब ये R1 की तरफ जाएगा अगर टूल, ये अगर R1 की जगह जाता है तो मतलब बैकवर्ड जाता है, और R1 की जगह जाता है ये फॉरवर्ड की टाइप जाएगा।
इस टाइप से ये डायग्राम होता है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का। अब इसका डायग्राम आपने देखा, इस्टीमेट जो पॉइंट हमारे पास, एक सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, ठीक है, और इसका ये हमारे पास पी पॉइंट है, यहाँ पर आर पॉइंट है, यहाँ पर पी वन, पी टू, ए वन, ए टू, आर 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 का आर, आर वन, आर टू है, इस टाइप से कोई कंटिन्यू दिया। और ये क्या करता है, जब ये मोशन करता है, मोशन कैसे करता है, इस टाइप से ये रोटेट करेगा। जब ये कंटिन्यू रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स लगेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसमें जो टूल है, टूल पर आएगा हमारे पास, टूल पे हम अगर कोई वर्क पीस को रख देते तो इसमें हम इसका इस्तेमाल वर्किंग कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है, सेपर मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेपिंग मशीन में। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो ये होता है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। क्योंकि आपका इसमें होता है जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक का टाइम अप होगा वो अल्फा से डिनोट करेंगे, और रिटर्न स्ट्रोक का टाइम अप होगा बीटा से होगा। तो अल्फा अपॉन बीटा के फॉर्म में आएगा, अल्फा अपॉन बीटा के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, बीटा को हम 360, क्योंकि 360 डिग्री पे रोटेट करता है ये पूरा, तो 360 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, अगर अल्फा के फॉर्म में लिखना है इसको हम कर सकते हैं। अगर अल्फा को फॉर्म में लिखना है तो अल्फा अपॉन 360 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर बीटा के फॉर्म में लिखना है तो इसको अल्फा को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस बीटा अपॉन बीटा। तो ये जो एंगल, ये जो होता है मैथमेटिकल फार्मूला होता है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का फार्मूला ये होता है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, अल्फा अपॉन बीटा। और अगर अगर अल्फा के फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 360 डिग्री माइनस अल्फा, और बीटा के फॉर्म में लिखना तो 360 डिग्री माइनस बीटा अपॉन बीटा। इस टाइप से इसको कंटिन्यू, इसको हम इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला जो होता है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का फार्मूला होता है, मैथमेटिकली फार्मूला। इसको हम अगर प्रैक्टिकली तरीके से, तो प्रैक्टिकल तरीके से इस टाइप से होता है ये डायग्राम। इसमें क्या है हमारे पास, ये रोलिंग पेयर है, ये रोलिंग है, यहाँ पर ये कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें कनेक्ट में क्या होता है, ये जब रोटेट करेगा, ये रोटेट करने पर ये आगे और पीछे इस टाइप से आएगा, जिसके द्वारा ये जो है ये हमारे पास स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर के द्वारा ये आगे आएगा, फॉरवर्ड आएगा और बैकवर्ड आएगा। और इसमें अगर हम कोई टूल को लगा देते हैं, अगर इसमें कोई टूल को लगा देते हैं तो टूल इसमें क्या करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड काम करेगा। तो इस टाइप से इसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकली डायग्राम है, इसके द्वारा हम प्रैक्टिकली डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये है आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इस टाइप से होता है। अगर विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से कंटिन्यू काम करता है। ये जब रोटेट करेगा, घूमेगा, तो घूमने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको फोर्स लगेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों लगता रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखा जाए तो एप्लीकेशन दिए हुए हैं आपको, दी विटवर्थ मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसको हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, विटवर्थ क्विक रिटर्न, विटवर्थ मैकेनिज्म जो होता है उसको हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ रिवॉल्विंग क्रैंक स्लाइडर एंड प्रोड्यूसेज नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रोक मूवमेंट विथ स्लो फॉरवर्ड मूवमेंट एंड फास्ट बैकवर्ड मूवमेंट। इसमें क्या करता है, जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वो स्लो होता है और बैकवर्ड मूवमेंट वो फास्ट होता है। द मैकेनिज्म इज यूज्ड इन टूल्स पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल टूल में के लिए हम कर सकते हैं, पैकेजिंग के लिए करते हैं और ट्रांसपोर्ट मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके एप्लीकेशन होते हैं रोटर, इसका जो होता है क्विक विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के जो एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होता है, टूल्स पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट मशीनरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का डिस्क्रिप्शन।